गाथा सुनो रे लोगो, एक गाथा सुनो रे लोगो। Pashchim Maharashtra. Loni Kalbhor is a locality in Pune city. Hills on one side and a river flowing on the other. Mainly known for the MIT-ADT University situated here, it's a completely different world after the toll plaza. India is known to be the land of villages. 67% of this country's population lives in villages. If we dive deeper into the lives of these people, mainly women, we would discover that responses are very mixed. There's a lot of difference amongst the people living in the same slum. On one hand, there are people living in compact houses made of steel sheets, and there are narrow, rugged pathways. There are no provisions for water. People wash their dishes, clothes, bathe, and throw the waste in the canal flowing through their slums. On the other hand, there are people who have walled gated houses. They also have pets and water connection. आप कितने साल पहले आए इधर? हमको 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? और आप क्या करते थे गांव में? कुछ नहीं, पानी नहीं करके उधर इधर आए काम करने के लिए। आप इधर काम क्या करते हो? झाड़ू पोछा बर्तन। आप इधर खुश हो क्या इधर काम करके? क्या काम करके, वो रूम भाड़ा 3000, वो उधर के पैसे अच्छा है। इधर दिया तो आ रहे थे, नहीं दिया तो चलो हकल पट्टी होती। क्या करते? तीन लड़कियां दो लड़के। आपकी कितने साल पहले शादी हुई थी? आपकी कितनी, आप कितने साल की थी जब हुई थी आपकी शादी? मुझे वो जब जल्दी जल्दी शादी करते थे ना, तो आप कितने साल की थी? 15 वर्ष। स्कूल नहीं गए थे आप कभी? स्कूल नहीं गए? नहीं, स्कूल नहीं। आपको कैसे लगा आपकी जल्दी शादी हुई? तो क्या करना, माँ बाप गरीब थे, उससे वो कर दिए शादी। पहले कहाँ स्कूल में डालती थी? हाँ। नहीं डालती थे ना, मेरी नहीं हुई पढ़ाई, पर बच्ची को पढ़ाई। उमेश मल्लारी बंसुड़े। आप कहाँ से आए? सोलापुर। कितने साल हो गए यहाँ पे रहे हो? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। मेरा बचपन इधर नहीं हुआ, मेरा बचपन सोलापुर में हुआ। फिर ये मेरे माँ बाप कम तो 30-32 साल हुआ यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्यों गांव छोड़ के इधर? मजबूरी। क्या मजबूरी? बारिश नहीं, काम नहीं लगने वाले। आपका खेत था? क्या नहीं, काम खेत था ना, ऐसा मजदूरी कुछ भी काम छोड़ छोड़ छोड़। मेरा तो एक सवाल है, अपना गांव अपन नहीं छोड़ना चाहिए? अपने गांव में अपन आदि का रोटी खाना वहीं से रहना, अपना शहर अपने छोड़ना, अपने गांव में अपन मरना, इतना मेरा सवाल है। माझी मर्जी, मैं जितते राहील तिथे राहील, माझी मर्जी, मैं काय करील। खेती बाड़ी इधर है, बाल बच्चे इधर है, रिश्तेदार इधर है, फिर हम लोग किधर जाएंगे? इधर ही रहेंगे। हमारे तो पुणे में कोई नहीं है, हम कभी खरीदी करेंगे कम मकान, कुछ उधर नौकरी ढूंढेंगे और क्या क्या करेंगे, तभी हमारा उधर होएगा ना। तो इधर तो सब है, हमारा जमीन है, घर है, खेती बाड़ी है, काम धंधा है, और क्या चाहिए। बाल बच्चे खुश है, हम भी खुश है, बच्चे जाते हैं पुणे में काम करने के लिए। अभी छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पोती पोता स्कूल जाते हैं, और मेरे बच्चे तो बड़े हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। It is so contradictory that one cannot have the basic privilege while the other can. It is a very upsetting sight when people have been deprived of the basic human needs and the government cannot do anything to help them.
All the people work hard and earn a livelihood for themselves and their families. Women who chose the city life over the village one said that the conditions they previously lived in were unsanitary and unsafe. There was an acute shortage of water and unemployment prevailed. They thought that migrating to a city would give them a chance to earn a livelihood. मतलब क्या वो लातूर हमारा गांव है? अच्छा हाँ लातूर लातूर काम के वास्ते इधर आए हम तो अभी पानी नहीं कुछ नहीं इस वास्ते उधर इधर की उधर आए हम पानी नहीं उधर हमको मिल नहीं था भूकंप हो गया उधर किल्लारी ये वो साइड पानी इस वास्ते इधर आए हम इधर ही काम करके खाते हैं मिट्टी का काम करते हैं मिट्टी का ईटा फिटा हाँ एक साल रहने वाला अब हम हाँ आगे गाँव जाने वाला है हाँ अच्छा तो मतलब आप जहाँ पे काम होता है वहाँ पे काम करते हैं फिर वापस गाँव वापस गाँव वापस यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता है ना कुछ भी नहीं नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता ये घर जो हम देख रहे हैं हाँ। सब आपने बनवाया कि घर नहीं 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 मालक 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 है मालक जिधर काम करता है वो मालिक का घर है और किराए फिरा कुछ नहीं करने का और रहने का अच्छा हाँ कहता है कि लोग शहर में जाके बस्तियाँ बना रहे नहीं बराबर है सही बात है लेकिन हम नहीं हम काम के वास्ते आया अब मजबूर से आए इधर हाँ अब मजबूर हो गया डर पीछे गए आप जाने वाले हम गाँव तरफ आते मजे आमच्या गावाला पाणी नव्हतं कामधंदा लागत नव्हता मुलावाचे लग्न केलं कर्ज झालं म्हणून आम्ही आमचे लातूर सोडलं नाही तर लोणीमध्ये आलो कामाला मालकाचं मग आम्हाला ओळख पटली मग मालकाजवळच आम्ही कामाला राहिलो मग मालकानं आम्हाला सगळं घर लाईट सगळं फ्री दिलेलं आहे फक्त आम्ही इटा थापता दुसरं काही काम करीत नाही आपकी बच्चे पढाई करते है नाही 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 काय शाळा शिकलेली नाही बघ आम्ही अडाणी आहो लेकरं अडाणी आम्ही अडाणी मोर मजुरीच काम करून खाता शाळा शिकले नाही आम्ही कुणी ते म्हणतात की मुलांना शिकवायला पाहिजे मुलं आता मोठे मोठे झाल्यात लग्न झाल्यात नांदाय गेले आता लेकी लोकांच्या घरी आपकी लडकी है कोई दोन मुली तीन मुलं आहेत पतिना हमने ही बहाया भूपति ने खूब कमाया साहूकार के सूद ने हमको साहूकार के कर्ज ने हमको गाँव से शहर में भगाया Provisional figures of census 2011, 22% of Pune's total population of 3.1 million stays in slums. Newer reports suggest that Pune's slum count has increased to 1 million, which is about 40% of their total population. PMC reports also tell us that there are about 353 slums and 211 non-declared. My name is Mahbub Imam Sahib Bagwan. आप इधर कितने टाइम से रह रहे हो मैं इधर कम से कम 2002 से रहता हूँ यहाँ पे आप क्या काम करते हो हमारा सीजनेबल धंधा है फल फ्रूट का धंधा है कांदा बटाटा लहसुन जो भी दिवाली आएंगी हर सीजन का धंधा करते हैं अभी सरकार की तरफ से मदद तो ऐसी कुछ ये नहीं है सिर्फ लाइट ये वगैरह ये मदद है रोड पानी ये सरकार की तरफ से मदद है ना ये महानगर पालिका सब सुविधा देती सरकार नहीं देता ये जो अपना पीएमसी है ना वो देता है इधर सब रोड चाहे लाइट पानी सब सुविधा जो है ना वो पूरा महानगर पालिका से आता है आपको आप किधर रहने के परिवार के बारे में कुछ बताना क्या सब सुख मंगल है ये खुद के घर है इधर कोई भाड़े घरों नहीं है सब अच्छा रहते हैं सब खुशी से जीवन बिताते हैं सब साथी मिल के रहते हैं इसमें अंदर कोई भेदभाव नहीं कोई नहीं हिंदू मुस्लिम जो भी कुछ होगा सब मिल के रहते सब कोई किसी के ऊपर परेशानी नहीं कोई किसी के ऊपर तंज नहीं किसी के ऊपर शिकवा शिकायत नहीं कुछ नहीं खिला मतलब दिक्कतें क्या होती हैं यहाँ पे आपको दिक्कत बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट पीने का पानी का प्रॉब्लम है
और मेन बात ये कि ठीक से रास्ते में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो पानी का ही सबसे दिक्कत बहुत बड़ी। पानी कहाँ से लाते फिर आप? मैंने कनेक्शन लिया था 40,000 डाल के। अच्छा लिया था, अभी ब्रिज का काम चालू हो गया। हाँ। तो कट के अभी पैसे देकर पानी भरना पड़ता है सामने के नहीं। अच्छा और यहाँ सब जितने भी है ना सब पैसे देकर पानी भरना, सब पैसे देकर पानी भरना। अच्छा तो आप लोग तो यहाँ पे क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग घर पे ही है, घर में ही घर में। पहले जाते थे मैं काम करने। अब कहाँ काम करते थे पहले? हॉस्पिटल में काम करते। हाँ ये लोग नेपाल के है, ये मथुरा के है, ये लोग इंदापुर के है। इंदापुर आप लोग गाँव छोड़ के यहाँ पे आ गए? हाँ बोलो क्यों, मतलब गांव के उधर मतलब क्या था, धंधा पानी नहीं था। अच्छा उसके वास्ते आए थे, हमको हो गए 25-30 साल हो गए यहाँ पे, अब गांव छोड़ गए। तो अब आपको क्या लगता है गांव छोड़ना सा? अब नहीं ठीक है इधर, लेकिन क्या है पेट भर रहा है इधर। पेट भर आप क्या काम करते हैं आप? हम ढकेल लगाते हैं मिठाई के। अच्छा सुनीता चंद्रा सकरवाल। On interviewing several people, we found that about 50% of them liked living in their village, while 50% preferred living in the city. Innocent people cannot even bring about a change in their life because of poor deteriorating condition. ये मालिकों का राज है, नाम चंद्रभागा, चंद्रभागा राम बहु जगताप। कौन से गांव से आती है? यरमाला। वो कितनी दूर पड़ता है? इतने बारिश का पलीकर। और आप यहाँ रहने के लिए क्यों आए? हे हुंटा का धंधा। अच्छा। हाँ जरा बुढ़े को जरा दूर नहीं थे, दवाखाने नहीं थे बुढ़ियाला। हाँ हाँ हाँ। कौन सा काम? पिया के मालक म्हणून असं हो गया, क्या करा लय तकलीफ आहे बा दीदी, काय सांगायचं तुला? माझी तकलीफ मलाच आहे म्हाताऱ्याची, माझी तकलीफ आहे दीदी, काय सांगायचं? सरकार कुछ मदत देती आपको? काय मदत बिदत काय नाही माय सरकारची, आम्हाला काहीच मदत नाही, भीक मागून आणून खायची मदत आहे फक्त आहे। खुद आम करते, क्या करा? चार आहे। कितनी उम्र के? हे काय, ही एक बच्चे है, ही एक बच्चे है, ते एक बच्चे है, तीन चके है। उनकी पढ़ाई? पढ़ाई तो शिकवली आठवी नवी नवी शिकवली बाई में। तो उसके लिए पैसे कहाँ से? क्या नहीं, ही काय काम धंधा करून घालायचे माय मी, मारा दारू पियाचा, काम के बारे नी खुरपायला चला काय भी करायला जायचे माय, निंदायला खुरपायला जायचे रानात जंगल मी। हा काय करावा, कोणत्या तुमच्यासारख्याचं दोन भांडं करून खायचे, बच्च्याला सांभाळाय काय करते, आणि ओके असं झालंय म्हाताऱ्याचं काय सांगायचं। अनदर ॲस्पेक्ट ऑफ स्टेईंग अनएम्प्लॉयमेंट अँड इन द स्लम्स वॉज दॅट मेनी मेन वूड रिसॉर्ट टू अल्कोहोल। मेनी वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलन्स फ्रॉम देअर हजबंड्स वेन दे वूड कम होम ड्रंक अँड दे वूड हॅव टू फेस देअर एज। शिर्डी साई बाबा। तुमचं वय किती? 15। शादी कितव्या वयात झाली? लग्न 2 वर्षे।
तुमच्या घरच्यांनी जबरदस्तीने केली का तुमच्या मनाने केली? आमच्या मर्जीशी. उंटावर धंद्याला जाते. त्यांना शिक्षण बिक्षण काय आहे की त्यांना विशेष किती नाही? या काम म्हणजे इथं काय काम करतो? आम्ही पोट भरतो गावगाव. शिक्षण नाही काहीच नाही. और करणार नाही का म्हणजे? आणि काय करायचं नाही का? नाही म्हणजे इतक्या लवकर लग्न का केलं? आमच्या आई बापाने करून दिलं. There are many girls who have been married at a very young age. We came across a few women who were married at the age of 13 and 15 years. The mindset of the people living in the rural areas was that they did not need to get their daughters educated, whereas they could just get them married. Child marriage still prevails in the country, especially in the slums and small villages. Of child marriage as of 2019 is 14.1% for the age groups 15 to 19 years. हिंदू मारा आहोत आम्ही. हां म्हणजे तुम्हाला इथं काही त्रास आहे का गाववाल्यांचा? नाही नाही नाही, कोणाचा नाही भाई त्रास. नाही आम्हाला एक नाही नाही. दरवर्षी आम्ही वर्षाला येतो. आमच्या गावाचा आहे, राहण्याचा ठिकाणाच आहे आमचा. म्हणजे गाववाले काही प्रॉब्लेम? नाही नाही नाही, काय नाही नाही, काय नाही, टेन्शन नाही, काय नाही. तर आम्हाला देत पिऊन खाऊन सुद्धा येत नाही तर आमच्याकडे कोणी काय नाही. हं, म्हणून आमच्या मागं कुणी आम्हाला कुणी बोलत बी नाही, काहीच नाही. हं, मतलब काय होत आहे वय? हं, आंबेडकरचे गीत गातात हमारे माणसं. बाबासाहेबाचे गाणे मारायचे घर, आपले बाबासाहेबाची आमचे बुद्धाचे घर. म्हणजे आमचं ते येशेच आहे मागायचा. ते त्यांच्या घरी गेले का मग ते देतात आम्हाला 500-500 रुपये, कुणी 200 देतात, कुणी 100 देतात असे. म्हणजे तुम्ही जर त्यांच्या घरापासून गेलात तर काय प्रॉब्लेम? काय नाही, काय नाही. आमच्यावर तसलं काहीच चोरी बिरी काय घालत नाही. तर चप्पलची नाही, सायकलीची नाही, तसले बुटाची तसलं काय नाही आम्हाला. चोरीचा नाही नाही नाही. जे बाबासाहेब आंबेडकर यांचं तुमच्याविषयी म्हणजे काय ही आवड? आम्हाला आम्हाला आवड आहे की त्याने आम्हाला मोहरं केलंय, त्याला माणसातलं त्यातलं आम्ही नरकात होतो, त्याने आम्हाला माणसात बसवलंय आंबेडकरनी. आम्ही माणसं आमच्या महाराजचे लोक मेलेले जनावरं वळून टाकायचे, झाडून काढायचे लोकायचं. आम्हाला ही देत नव्हते पहिले. जेव्हा बाबासाहेब जन्माला आला तेव्हा आम्ही माणसात बसलो बाळा. नाही बघ, आता आमच्या ताटाला ताट घेऊन जेवतात मराठीचे लोक, नाहीतर आम्हाला जवळसुद्धा बसू देत नव्हते. असं होतं पहिलं आमच्यावालं. एकदा मोठ्याने म्हणा जय भीम, जय भीम, जय भीम. The purpose of this documentary was to bring to light the concept of true contentment despite relocating to unknown places in search of livelihood and living in difficult situations. This abstract phenomena of remaining content is something so inconceivable to people like us who have been sheltered and lived a very different life. We usually have a preconceived notion that all poor people are miserable. However, happiness is the most subjective concept and differs from each individual. Leaving behind everything and starting over in a new city is not easy, especially when you are already below the poverty line. These individuals are essentially driven out of their own homes and are forced to neglect their roots. Yet, they remain strong and take each day as it comes. Roof rules fruit.